बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी का 7 दिवसीय चल रहे वर्ग सत्र सरस्वती शिशु मंदिर गणा में संपन्न हुआ। दुर्गा वाहिनी की बहनों ने अनेक प्रदर्शन किए और अपनी शक्ति और अपनी ताकत का अनुमान सारे समाज को दिया कि हम बहनें किसी से कमजोर नहीं हैं। आने वाले समय में किसी भी विषम परिस्थिति में हम समाज से लड़ते रहेंगे और हमेशा समाज में अग्रसर होकर हम रहेंगे। समापन सत्र के कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह जी, प्रांत उपाध्यक्ष वाणी अहलूवालिया, राष्ट्रीय संयोजिका प्रज्ञा एवं समस्त कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हुए। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। जी सर, ये जो दुर्गा वाहिनी का जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दें। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति की युवा इकाई दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म काल में आयोजित होते थे। विगत 2 वर्षों से वैश्विक महामारी के कारण आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार पुनः महाकौशल प्रांत का प्रांत प्रशिक्षण वर्ग जबलपुर में लगाया गया। इसमें पूरे प्रांत से 138 बहनों ने मानसिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण लिया। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है, हिंदू मानव बिंदुओं का रक्षण पोषण एवं संवर्धन के लिए कार्य करना, उसमें मातृशक्ति की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी को देखते हुए इनका मानसिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया है। इसमें आज समापन पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय संयोजिका प्रज्ञा दीदी हम सबके बीच में उपस्थित रहीं। प्रदीप गुप्ता, प्रांत सहमंत्री, विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत। सुना है विश्व हिंदू परिषद में दुर्गा वाहिनी प्रशिक्षण में क्या क्या बताया गया, इसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी दें। दीदी का दुर्गा वाहिनी के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में बहनों को सेवा सुरक्षा संस्कार, दीदी आपसे अनुरोध है अपने जिले की बहनों को आप स्वयं अपने देश धर्म की रक्षा करें, देश और देवभक्ति की अंदर जागृत करते हुए उमरिया की बहनें और कहां है दर्शन करें, परिवार का निर्माण करें और समाज को दिशा दर्शन दे। जो भी विधर्म जिहादी के भावना रखकर हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ, जिला नरसिंहपुर छेड़खानी करते हैं या करते हैं या उसके ऊपर अत्याचार आक्रमण करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए और हमारे श्रेष्ठता को अपनी बहनों के बीच में बताने के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग है, उनके निर्माण हुई है। ये आगे चलकर अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ समाज, परिवार की, धर्म की, राष्ट्र की, मानवियों की सुरक्षा करेंगे, उसी प्रकार से इनके प्रशिक्षण हुई है। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं तो अखिल भारतीय संयोजिका दुर्गा वाहिनी जबलपुर से ही। नहीं, मेरा केंद्र उड़ीसा कटक। उड़ीसा, आप उड़ीसा से कितने बच्चे आए हुए हैं जबलपुर? यहाँ नहीं, ये तो सिर्फ है अभी पूरे भारतवर्ष में हर प्रांत में ये वर्ग हो, जिला रहली अभी शुरू हुई है। यहाँ मातृशक्ति दीदी महाकौशल के मंच पे आज, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसी प्रांत के हमारे प्रांत सहमंत्री भाई साहब के अपने अपने प्रांत में होगा, वहाँ बहने अपने अपने प्रांतों में। आपका शुभ नाम? प्रज्ञा महला, दुर्गा वाहिनी राष्ट्रीय संयोजिका।